स्टमक का तीनों रीजंस का नाम है कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। स्टमक के पोर्शन को थ्री रीजंस में डिवाइड किया गया है। ईसोफेगस हमारा स्टमक में ओपन हो रहा है, ईसोफेगस हमारा स्टमक में ओपन हो रहा है। ईसोफेगस के बाद जो स्टमक, ईसोफेगस स्टमक में ओपन हो रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। हम स्टमक के पहले पोर्शन को बोलेंगे कार्डियक रीजन, ये हमारा कार्डियक रीजन है। फिर हमारा फंडिक रीजन आता है, फिर हमारा आएगा पाइलोरिक रीजन। अब देख रहे हैं इसोफेगस जब हमारे स्टमक में ओपन होता है, इस रीजन को हम बोल रहे हैं कार्डियक रीजन। इसके बाद बोल रहे हैं फंडिक रीजन, फंडिक रीजन के बाद पाइलोरिक रीजन आ रहा है। अब पाइलोरिक रीजन ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टमक का कौन सा रीजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। सिंपल है, आप तो समझ गए होंगे। अब ईसोफेगस जब हमारे स्टमक में ओपन हो रहा है तो इस फर्स्ट रीजन को हम कार्डियक रीजन बोल रहे हैं, इसके बाद फंडिक रीजन बोलते हैं, फिर पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। पाइलोरिक वाला रीजन जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है जो यू शेप का है, इसे हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे स्टमक में एक और क्वेश्चन अराइज होता है। स्टमक में थ्री रीजन है, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। ये वाला क्वेश्चन, ये जो लाइन है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे नीट जो स्टेट लेवल के जो मेडिकल एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। फंडिक रीजन, ये वाला जो रीजन है यहाँ से गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सेक्रेट होता है। फंडिक रीजन जो है वो गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा सेक्रेट करता है। सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मोर इन दिस रीजन। ये वाला भी क्वेश्चन राजस्थान प्री मेडिकल में पूछा गया है। फिर यहाँ पे हम स्टमक में अब कार्डिक रीजन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन देख चुके हैं। अब यहाँ पे दो स्फिंक्टर, स्टमक में दो दो ओपनिंग है, एक ये वाला ओपनिंग है और एक इधर पाइलोरिक वाला ओपनिंग है। इस दोनों ओपनिंग में स्फिंक्टर पाया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, तो ये मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर है। स्टमक में दो जगह स्फिंक्टर पाए जाते हैं, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है। स्फिंक्टर एक जाली नुमा स्ट्रक्चर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे भी स्फिंक्टर पाया जाता है, इसको ईसोगैस्ट्रो स्फिंक्टर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ईसोफेगस हमारे स्टमक में ओपन हो रहा है तो इसलिए इस स्फिंक्टर का नाम दे दिया गया ईसोगैस्ट्रो स्फिंक्टर। यहाँ पे पाइलोरिक वाला रीजन है तो इस स्फिंक्टर का नाम दे दिया गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये एक जाली की तरह दिख रहा है। इस स्फिंक्टर का बस काम है कि फूड को स्लोली स्लोली मूव करवाना। अगर ये स्फिंक्टर नहीं होगा तो फूड डायरेक्टली जो है स्टमक वाले रीजन में आ जाएगा, फिर स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फास्टली चला जाएगा। लेकिन स्फिंक्टर होने के कारण वो जो फूड पार्टिकल है वो धीरे धीरे स्लोली मूव करेगा। तो स्टमक वाले रीजन में दो स्फिंक्टर पाया जाता है। जो ईसोफेगस के पास जो स्फिंक्टर है इसको ईसोगैस्ट्रो स्फिंक्टर बोलेंगे, और जो पाइलोरिक रीजन के पास जो स्फिंक्टर है इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। फंडिक वाले रीजन में गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सेक्रेट होता है। स्टमक में एक और एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम है एच सी एल एसिड। यहाँ पे स्टार मार्क डाल के मैं लिख रही हूँ, स्टमक में एक एसिड पाया जाता है एचसीएल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और गैस्ट्रिक जूस भी ये सेक्रेट कर रहा है। तो स्टमक में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो कैसा है, एसिडिक है।
तो या स्टमक का मीडियम कैसा हुआ, एसिडिक मीडियम हुआ, तो उस स्टमक में एक और काम हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक दो काम कर रहा है यहाँ पे, फूड को डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, प्लस फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसको किल कर रहा है। फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को हम बोलेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सेकंड पार्ट को बोलेंगे हम जेजनम। थर्ड पार्ट को बोलेंगे इलियम। बहुत ही स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ड्यूडेनम स्टमक के बाद जो पोर्शन आ रहा है उसे हम ड्यूडेनम बोलेंगे। फिर इस वाले रीजन को हम जेजनम बोलेंगे। लास्ट वाला जो रीजन है इलियम, इलियम वाला रीजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा इलियम। जेजनम जो है लॉन्ग कॉइल्ड होता है, लॉन्ग कॉइल्ड लंबा है, लंबा होता है, कॉइल्ड है, कॉइल तो हमें दिख रहा है फिगर में। इलियम जो हाईली कॉइल्ड है, इलियम जो हाईली कॉइल, ये भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, जेजनम इज लॉन्ग कॉइल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम जो हाईली कॉइल्ड है। यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है, जानना है, जेजनम में जो है विलियम वेलाई का जो वेलाई जो है लार्ज क्वांटिटी में मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है। जेजनम में वेलाई का जो वेलाई जो है मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है, इलियम में वेलाई की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो जेजनम में वेलाई है, वेलाई ज़्यादा है यहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन का काम जेजनम में ज़्यादा हो रहा है। हमने देखा कि माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट का टूटना ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया था, इसोफेगस में कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। स्टमक में एचसीएल एस एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जा रहा है, प्लस गैस्ट्रिक जूस भी पाया जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन में भी डाइजेशन, ये स्टमक के एसिडी गैस्ट्रिक जूस काम करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंस में। फिर यहाँ पे स्टमक के बाद वो जो फूड पार्टिकल है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस आएंगे। मैंने यहाँ पे पेनक्रियाज और लीवर नहीं बनाया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मैंने यहाँ पे पेनक्रियाज और लीवर नहीं बनाया है, यहाँ पे जगह बची हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको पेनक्रियाज दिखा देती हूँ। पेनक्रियाज बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ये पेनक्रियाज है जो पत्ते की तरह दिख रहा है, और ये जो रेड कलर जो मैं फील कर रही हूँ, ये पेनक्रियाज का डक्ट है। पेनक्रियाज के जो पेनक्रियाज के जूस को पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो पेनक्रियाज के जो जूस रिलीज होंगे वो इस डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। और यहाँ भी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर होता है। लीवर और गॉल ब्लैडर जो कि मैंने इस फिगर में नहीं बनाया है, यहाँ पे लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है। तो लीवर की भी जो सेक्रेशन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन ऑर्गन का सेक्रेशन आ रहा है, स्टमक का सेक्रेशन आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस गैस्ट्रिक जूस आ रहा है, पेनक्रियाज के जूस आ रहे हैं, इट मीन्स पेनक्रियाज का जो जूस है पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। यहाँ पे लीवर मैंने नहीं बनाया है, लीवर के भी जूस आएंगे, लीवर के जूस को बाइल जूस बोलते हैं। तो सारे जूस जो है फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करके उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में चेंज होगा, फैट हमारा फैटी एसिड में चेंज होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसैकेराइड में चेंज होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट फैट और जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कि हमारा ब्लड उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा जूस है जो कि उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है सिंपल सब्सटेंस में। अब हमारा ब्लड उस सिंपल सब्सटेंस को ले सकता है।
तो सारे जो जूस है उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टमक ने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया है, लेकिन अब वो फूड पार्टिकल हमारा लास्ट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सब्सटेंस में अब चेंज हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। प्रोटीन हमारा एमिनो, ये हमें याद रखना है, प्रोटीन हमारा लास्ट में एमिनो एसिड में चेंज होगा, फैट हमारा फैटी एसिड में चेंज होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसैकेराइड में चेंज होगा। ये अब या याद करवा दूंगी, बाद में याद हो जाएगा, बस सुनो, सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन अब कंप्लीट होगा। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों कंप्लीट होगा, मैंने इससे पहले बताया आपको, जेजनम में मैक्सिमम वेलाई पाया जाता है, वेलाई को विली भी बोलते हैं, जेजनम में मैक्सिमम वेलाई पाया जाता है। वेलाई की अब खासियत क्या है, वेलाई का फिगर देखो यहाँ पे, ये वेलाई का फिगर है, एनसीईआरटी में है वेलाई, ये वेलाई का फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एनसीईआरटी के बुक में भी है। वेलाई में ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, आर्टरी लिम्फ पाए जाते हैं, ये वेलाई है। वेलाई में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ये देखिए, वेलाई में पोर्स पाए जाते हैं। वेलाई के अंदर में लिम्फ है, ये लिम्फ है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी, आर्टरी भी पाया जाता है, आर्टरी वेन है, यहाँ पे पाया जाएगा कैपिलरीज पाया जाएगा, कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होता है, जब आर्टरी और वेन जब स्मॉल ट्यूब्स में चेंज हो जाते हैं उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, तो यहाँ पे कैपिलरीज है। वेलाई में देखो, यहाँ पे देखिए आप सब, यहाँ पे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वेलाई का पोर है, वेलाई का छिद्र है, यहाँ पे आर्टरी है, लिम्फ है, कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है। इसका मतलब जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारा कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो सिंपल सब्सटेंस अब हमारा ब्लड उसे ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होगा, मतलब वेलाई क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो स्पोर्ट्स के थ्रू क्या होगा, सारे जो सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं हम, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है अब इस वेलाई के स्पोर्ट्स के थ्रू वेलाई में आ जाएंगे और ब्लड कैपिलरीज में, लिम्फ में, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो वेलाई का जो नंबर है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जेजनम में, ये वेलाई का फिगर है, वेलाई का फिगर है, ये वेलाई को हम विली भी बोलते हैं, ये विली है, विली का मैक्सिमम नंबर जेजनम में पाया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा काम कहाँ पे होगा, जेजनम में होगा, वेलाई में पोर्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं, तो इसलिए वेलाई एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इलियम में भी वेलाई विली पाया जा रहा है, लेकिन जेजनम के कंपेयर में कम है, तो इलियम में एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पोर्शन में एब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा होता है, तो जेजनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो यहाँ पे डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ मूव करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेंगे। अब कैसे मूव कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, स्टमक में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, फूड हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, जेजनम में एब्जॉर्प्शन हो गया है। जेजनम में एब्जॉर्प्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जेजनम में विली पाया जा रहा है, तो विली का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन करना है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गए हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गए
वो चले मूव कर जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन के इस पोर्शन को हम देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के इस पोर्शन को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डायलेटेड पार्ट दिख रहा है इसे सेकम बोलते हैं। सेकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, यहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सेकम से एक आउटग्रोथ अराइज हो रहा है, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, लार्ज इंटेस्टाइन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। असेंडिंग कॉलन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसको असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। असेंडिंग कॉलन, ये वाला जो पोर्शन है उसको ट्रांसवर्स कॉलन बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला जो पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलन। देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कॉलन, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। इस लास्ट पार्ट में हम देखते हैं रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई काम नहीं है, बस जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम पोटेशियम इसको एब्जॉर्ब करता है, और जो पानी है वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम की तरफ मूव करेगा, रेक्टम की तरफ। रेक्टम में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्टोर होगा, रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर है उसको हम फेशियल मैटर बोलते हैं, फेशियल मैटर। वो फेशियल मैटर क्या होगा, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम मेरा जो जनरल इंट्रोडक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ है, किन पार्ट से डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हमारा एलिमेंट्री कैनाल से होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड से हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल प्लस डी से डाइजेस्टिव है ये ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, डी फॉर डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है। एलिमेंट्री कैनाल में अब कौन कौन से पोर्शन आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा पहला माउथ आता है, फर्स्ट हमारा आ रहा है माउथ। माउथ, माउथ को हम बक्को फेरेंजियल कैविटी भी बोल सकते हैं, माउथ को हम बक्को फेरेंजियल कैविटी भी बोलेंगे। मैं नहीं लिख रही हूँ, आप बस सुनो और याद रखो। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ, माउथ को हम बक्को फेरेंजियल कैविटी भी बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा ईसोफेगस, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बदले मैं फूड पाइप लिख रही हूँ, फूड पाइप। फिर हमारा लार्ज स्टमक भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, यहाँ पे स्टमक भी लिखते हैं, स्टमक। फोर हम लिख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अब लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसवर्स असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन में डिवाइड किया गया है। रेक्टम और एनस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम वाले पोर्शन को देखेंगे। तो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से एलिमेंट्री कैनाल
का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम सिक्स लास्ट में देख लिखते हैं एनस। एनस भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर ओपनिंग को, एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं। एंटीरियर ओपनिंग का मतलब है आगे की तरफ जो ओपनिंग है, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे। तो एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर ओपनिंग को माउथ बोलते हैं और पोस्टीरियर ओपनिंग को हम एनस बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है कि एलिमेंट्री कैनाल के एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर ओपनिंग को क्या बोलेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में फर्स्ट ऑर्गन है हमारा लीवर। लीवर यहाँ पे डायफेरम के नीचे होता है, यहाँ पे डायफेरम होगा, डायफेरम के नीचे यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में लीवर होगा। मैंने लीवर इसमें नहीं बनाया है। लीवर के बाद है पेनक्रियास, ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच जो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पेनक्रियास। थर्ड पार्ट आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में तीन ऑर्गन आ रहे हैं, लीवर, पेनक्रिया, सलाइवरी ग्लैंड। लीवर हमारा डायफेरम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। पेनक्रियास स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। सलाइवरी ग्लैंड हम यहाँ पे बक्कल कैविटी के बाहर देखेंगे। बक्कल ये माउथ वाला जो पोर्शन है, माउथ को जब हम ओपन करते हैं टीथ और टंग वाले पोर्शन को हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी के बाहर आउट में हम सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। दो कानों के नीचे में होते हैं, एक टंग के नीचे में और एक लोअर जॉ में प्रेजेंट है। तो इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस हमें यहाँ पे देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किन ऑर्गन से हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मैं यहाँ पे बार बार मैं बोल रही हूँ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, वर्क है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देना है सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। तो ये डाइजेशन तब हो रहा है। तो हम डाइजेशन के बारे में क्या बोलेंगे, डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा। डाइजेशन का डेफिनेशन, जब हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है तब इसे हम डाइजेशन बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन होगा कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बदले मैं यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल लिख रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में मैक्रो मॉलिक्यूल वर्ड डाला गया है। कन्वर्जन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म is called digestion. तो हम यहाँ पे यही देख रहे थे कि माउथ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फिर स्टमक में भी कुछ मतलब फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंपल सब्सटेंस में चेंज हुए, फिर स्टमक से फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, फैट हमारा फैटी एसिड में चेंज हो चुका है, फैटी एसिड जो है सिंपल सब्सटेंसेस है। फिर हमारा जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में चेंज हो गया, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म को हम एमिनो एसिड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइसैकेराइड में चेंज हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्म को हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मुंह से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया, मैक्रो मॉलिक्यूल लिया। वो माइक्रो मॉलिक्यूल धीरे धीरे जब वो एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ वो मूव करते हैं तो वो धीरे धीरे सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो रहे हैं, तो इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन का डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है
चैप्टर नंबर 16 वहाँ पे डाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर आप अगले जब पेज नंबर 258 प्लस 259 पेज नंबर में जब आप देखोगे तो मैंने आज इस वीडियो में जो भी बातें बोली है स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसोफेगस, एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स के बारे में जो आज मैंने आज बात बताई इस वीडियो में बताई, वो सब पेज नंबर एनसीईआरटी की जो बुक है पेज नंबर 258 और 259 पेज नंबर में आप देख सकते हैं। जो मैंने इस वीडियो में बताया वो दोनों पेज में आप थॉरली इस बुक पेज नंबर पेज को स्टडी करो, आपको सारे टर्म्स मिलेंगे। तो मैं इसके आगे जो भी अब पोर्शन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो या जो पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखो, मैं उसका आंसर दूंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।